हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रैम्बल विद एकेसी, और मैं हूं आपका दोस्त। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलता हूं जोधपुर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जोधपुर जैसलमेर से 300 किलोमीटर के आसपास है, जो कि आप 4-4.5 घंटे में कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम कुछ ज़्यादा नहीं देखेंगे, आज हम देखेंगे मंडोर गार्डन, जो बोला जाता है कि रावण की ससुराल थी। उसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, वहाँ के मंदिर के बारे में बताऊँगा और कुछ सिनेमेटिक व्यूज़। मंडोर गार्डन मंडोर शहर में है, जो कि जोधपुर से 9 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। मंडोर गार्डन का नाम मंदोदरी के नाम पर रखा गया है, मंदोदरी जो कि रावण की धर्मपत्नी थी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो रावण की ससुराल हुई मंडोर, और हम हैं मंडोर के मंडोर गार्डन में। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। मंडोर उद्यान जोधपुर। तो हम आ चुके हैं जोधपुर के मंडोई गार्डन, जिसको बोला जाता है कि ये रावण का ससुराल था। अब ये क्या कितनी इस बात में हकीकत है, कितनी नहीं है, वो तो मुझे नहीं मालूम है, मगर जैसा कि लोगों ने बोला है कि रावण का ससुराल था तो था। क्योंकि हम लोग लेट हो गए हैं मंडोई गार्डन आने में, तो यहाँ हम अकेले ही घूम रहे हैं, यहाँ पर कोई गाइड मिला नहीं है। तो अब यहाँ पर घूमते घूमते मुझे ये एक चीज़ मिली है। अब इसकी हिस्ट्री क्या है मुझे ज़्यादा नहीं मालूम। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इट्स अ नाइस स्ट्रक्चर। यहाँ पे कुछ मूर्तियों का सुधार हो रहा है, आप देख सकते हैं पेंटिंग बनाई जा रही है, थोड़ा रिनोवेशन का काम चल रहा है, बट कुछ खास लग रहा है। यहाँ पे पूरी हिस्ट्री बताई गई है। गणपति टेंपल
दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मंडोर गार्डन एक गार्डन ही नहीं, पूरा का पूरा एक महल है। ये महल हुआ करता था मंदोदरी का। यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती हैं छोटी बड़ी छतरियाँ, मंदिर और बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे कलाकार ने अपनी कला का प्रदर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है। मंडोर गार्डन में दिन के वक्त आपको बहुत सारे बंदर देखने को मिल सकते हैं, जो कि काले मुंह के बंदर हैं और काफ़ी सारे ग्रुप्स में ये घूमते रहते हैं। बट आप उनको इग्नोर करिए, आप अपना घूमिए, वो अपना घूमते रहेंगे। अगली वीडियो कुछ खास होगी, तो आप अगली वीडियो ज़रूर देखें। स्टे ट्यून टिल माई नेक्स्ट वीडियो। अगर आप इस चैनल पर अभी अभी आए हैं तो प्लीज़ वो जो नीचे रेड बटन दिया है उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ऑलरेडी मेरे को देख रहे हैं काफ़ी दिनों से, तो प्लीज़ देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। नई नई चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन पता चलती है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।